तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्या दोस्तों आप भी परेशान हैं? आपके भी एयरटेल के सिम में नेटवर्क नहीं आता है, बार बार नेटवर्क गायब हो जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे आईसी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करता हूँ और एक एक सेटिंग आपको क्लियर करता हूँ कि कैसे हम इसको सही करेंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको सारी कुछ बातें बताते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा ना, यहाँ पे अपने नोटिफिकेशन बार को ऐसे स्वाइप करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन हमको दिखता है ना एरोप्लेन मोड का, ठीक है, हम इस एरोप्लेन मोड वाली सेटिंग को ऑन कर देंगे। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं इसको ऑन कर देंगे, या तो फ्लाइट मोड लिखा होगा या तो एरोप्लेन मोड लिखा होगा, इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद दोबारा से यहाँ पे चालू कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेटवर्क इससे रिफ्रेश हो जाता है और नेटवर्क आने का पूरा पूरा चांस हो जाता है। यह पहला तरीका है दोस्तों। ऐसे 4 से 5 स्टेप हम आपको बताऊँगा, चारों पाँचों स्टेप जरूर ट्राई करेगा, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा एयरटेल में भी ऐसी दिक्कत है तो। तो दोस्तों आइए अब अगले ट्रिक की तरफ चलेंगे, लेकिन वीडियो यदि अच्छी लगेगी आपका काम हो जाए तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए अब आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन के ना सेटिंग में चलना है, ठीक है। आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे सभी के फ़ोन में यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको अपना एयरटेल वाली सिम को चूज कर लेना होगा, ठीक है, मैंने चूज कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे बातों का ध्यान रखना होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि यह जो है टर्न ऑफ है, ठीक है, या टर्न ऑन नहीं है या चालू नहीं, तो इसको चालू जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सिम बंद हो जाती है, बच्चे वगैरह घर पर छेड़ देते हैं तो यहाँ से दिक्कत हो जाती है, इसको ऑन रखना ज़रूरी है। अगली बात पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रीफर LTE पे आपको क्लिक करना है, या तो 2G 3G 4G एक ही लाइन में लिखा रहता है, ऑटो वाला ऑटो पर क्लिक करना। सभी के फ़ोन में अलग अलग तरह से ऑप्शन रहता है, लेकिन पहले वाले को ही चूज करना है, LTE या तो ऑटो वाला ऐप में ऑप्शन होगा, किसी में LTE रहता है किसी में ऑटो रहता है, किसी को चूज कर लेना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से चूज कर लिया, वापस से बैक आऊँगा। बैक आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है यूज वोल्टी का, इसको ज़रूर ऑन रखिएगा, या ऑन रहेगा ना तभी आपका नेटवर्क HD क्वालिटी में आता है और अच्छी खासी बातें वगैरह होती हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन फिर से दिखाई देने लगेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब आपको कहीं यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, ठीक है, और वापस से आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। एक बार फिर से आपको अपने एयरटेल के सिम पे ही क्लिक करना है और यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे सेलेक्ट नेटवर्क ऑटोमेटिकली वाला ऑप्शन जरूर ऑफ ऑन रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अब बंद रहेगा ना तो ऑटोमेटिक नेटवर्क नहीं आता है, तो इस सेलेक्ट नेटवर्क ऑटोमेटिकली वाले ऑप्शन को जरूर से ज़रूर आप ऑन रखिएगा, तभी आपकी नेटवर्क की समस्या दूर होगी, टावर आपका बेहतरीन रहेगा। इसको आपको ऑन रखना है, मनी हरा रखना है, ठीक है ना। यह सेटिंग जब ऑन हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बताते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको ऑन कर रखा है, देख सकते हैं आप। तो अब हमें क्या करना है, वापस से बैक आना है, और बैक आने के बाद आप अपने फ़ोन को ना दोस्तों, यदि इतना सारा कुछ कर लिए हैं आप ना, उसके बाद भी यदि नेटवर्क ना आए तो आपको क्या करना है, आई मैं आपको बता दूं। आप अपने फ़ोन को ऐसे यहाँ पे लॉन्ग टैप करके और यहाँ पे रीस्टार्ट करिएगा फ़ोन को, या तो स्विच ऑफ करके फिर वापस से चालू करिएगा ना, आपका नेटवर्क 100% आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि फिर भी ना आए दोस्तों तो आपको बताना चाहूँगा, आप अपने सिम का जो ट्रे होता है ना उसको निकाल के एक बार चेक कर लीजिएगा, कभी कभी सिम वगैरह उल्टा भी लग जाते हैं तो उसको सही कर लीजिएगा। और दोस्तों यदि आपके एरिया में नेटवर्क ही नहीं है तो आप में भी नेटवर्क नहीं आएगा, बिकॉज यदि आपके दोस्तों में आता होगा तो आप में जरूर आएगा, यदि दोस्तों में भी नहीं आ रहा तो आप में भी नहीं आएगा, दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों इसका सलूशन तो नेटवर्क जब तक प्रॉब्लम वहाँ से फिक्स नहीं किया जाएगा टावर से, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। बाकी यदि कोई सेटिंग वगैरह से दिक्कत हो तो मैंने आपको समझाया बताया, उम्मीद करूँगा आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया। यदि पसंद आए तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।